नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार में। जिस तरीके से न्यूज बिहार लगातार आपको बिहार से जुड़ी हर खबरों से रूबरू कराता है, ऐसे में अब एक बार फिर आरे हाथ लिया है गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को। बीते दिन बिहार के राजधानी पटना स्थित हाईटेक हॉस्पिटल में 3 पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की संज्ञान लेती है। अब जब नीतीश कुमार लगातार अपने सुशासन का सरकार हवाला देते हुए खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसे में अब उनके ही पार्टी डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज गिरिराज सिंह ने उन पत्रकारों से मुलाकात की और कहा कि बिहार में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में अपराधों और अपराधी पर खुद नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हाईटेक हॉस्पिटल का है, जो कि सगुना मोड़ में है। वहाँ 3 पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है। जब इस पर संज्ञान लिया जाता है तो पता चलता है कि गार्ड द्वारा की गई लापरवाही और बदतमीजी का जब विरोध कर रहे थे पत्रकार, तो उनके साथ जमकर पिटाई की जाती है। ऐसे में जब वहाँ के SDO मुलाकात करने जाते हैं और पूरे मामला का संज्ञान लेते हैं, तो उन्होंने भी यही बात की पुष्टि की है कि ये हाथापाई गार्ड के साथ हुई है, और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पत्रकार ने विरोध किया गार्ड के किसी बातों का, तो उन्होंने उनके साथ जमकर पिटाई की है। खैर, नीतीश सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाती है, सुशासन का हवाला देती है, ऐसे में अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुद हर आपराधिक मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। जुड़े रहे आप भारत लाइव TV पर, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।